हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फंडामेंटल में। आज हम पजल के उसके दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर शॉर्ट्स के रूप में देखे थे, इसका आज हम सॉल्यूशन सीखेंगे कि कैसे इसका आंसर आता है। सबसे पहले बॉक्स में नंबर दिए हुए ए टी और एच एफ आई एन, यहाँ पे हमें ढूंढना है एन और आर। नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले हमें ढूंढना है पैटर्न। तो ए से डी यानी कि पास पास में है, अगर हमें ए से डी तक जाना हो तो अल्फाबेट में सेकंड दो नंबर बीच में आते हैं, देखो ए के बाद बी सी फिर डी आता है, तो थर्ड नंबर पे है तो प्लस टू। अब डी से हमें एच पे जाना हो, डी से एच, डी के बाद ई एफ जी और एच, देखो बीच में कितने नंबर है, तीन नंबर है तो प्लस थ्री, ऐसे लिख दिया। अब देखो F से हम I का ट्राई करते हैं, F के बाद देखो F फिर G H I, F के बाद I, बीच में कितने हैं, दो हैं तो यहाँ पे भी प्लस टू। फिर I से हमें M तक जाना है, I के बाद J K L M, I के बाद M तक जाना है तो बीच में तीन है प्लस तीन। देखो यहाँ पे प्लस टू हो रहा है फिर प्लस थ्री, यानी कि बीच में दो दो नंबर है। तो एग्जाम में क्या करना है आपको, सबसे पहले अल्फाबेट यहाँ पे 13 और 13 36 लिख देना है, तो ऐसे लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ऐसा लिखा होगा तो आप आसानी से गिन सकते हो। अब यहाँ पे देखो N के बाद R, तो हम लिखते हैं N, N के बाद क्या आता है O P Q R। देखो N से बाद हमें जाना है तो तीन नंबर है बीच में, यहाँ से यहाँ तक प्लस तीन, तो N यहाँ पे प्लस टू करना है या बीच में माइनस टू, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे, तो जाएंगे हम देखो अल्फाबेट लिखते हैं, देखो N, N के बाद हमें दो नंबर छोड़ देने हैं, फिर आता है K, यहाँ पे आएगा K, तो ऐसा भी हो सकते हैं K से हमें N तक जाना हो तो बीच में दो नंबर है तो प्लस टू हो गया प्लस टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे प्लस टू और प्लस टू तो K, तो आंसर क्या होगा हमारा के, यानी कि ए ऑप्शन ए है अल्फाबेट के, तो हमारा आंसर होगा। उस तरह से सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे पजल दी हुई है एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 है, वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू हमें ढूंढना है, देखो यहाँ पे सब जगह प्लस है यहाँ पे डिवाइड है, सबसे पहले वैल्यू ढूंढते हैं, तो एक्स की वैल्यू होगी 30, फिर y की वैल्यू होगी 10, इस तरह से z की वैल्यू क्या होगी, z प्लस जेड यानी कि 2 प्लस 2 4 होते हैं, तो z की वैल्यू होगी 2। अब x प्लस वाई डिवाइड बाई z करना है, x की वैल्यू 30 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो देखो अब हमने ये लिख दिया तो इसमें क्या यूज होगा, बोर्ड मास का हम यूज करेंगे, सबसे पहले डिवीजन होता है तो डिवीजन इतना 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5 बचता है। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मल्टीप्लाई इसमें नहीं है, तो अब एडिशन करेंगे तो 30 प्लस 5 यानी कि 35, तो x प्लस वाई डिवाइड जेड इज इक्वल टू आंसर क्या मिलता है हमारा 35 आंसर। देखो लोग गलती क्या करते हैं, x प्लस वाई डिवाइड बाई जेड है तो x प्लस वाई 30 प्लस 10 कर देते हैं 40 और उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर क्या आता है 20, लेकिन ये क्या होगा गलत, हमें ऐसे सब में वैल्यू लिखने के बाद वर्ड मास का यूज करना है तभी हमारा आंसर सही होगा। तो आज के वीडियो में हमने पजल के दो क्वेश्चन देखे, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ्स के प्रैक्टिस करने के लिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर आइकॉनिक फंडामेंटल को फॉलो कीजिए, उसमें हर रोज आपको दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप YouTube पे आके उसका सॉल्यूशन का वीडियो देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।